हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप दोस्तों? आज की इस वीडियो में फिर से मैं एक बार शेक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ शेक के अभी तक की हमारी अर्निंग कितनी हुई है। मतलब यहाँ पे लगभग आपको 2 साल, पिछले 2 साल की अर्निंग आपको यहाँ पे एक ही समरी में आपको यहाँ पे दिखाई देगी। हमारी सैलरी, हमें 2 साल में कितनी सैलरी मिले वो मंथ वाइज हमें दिखाई देगी, या फिर आपको समरी चाहिए तो 2 साल में हमने कितना कमाया, कितना टीडीएस कट हुआ है, सब कुछ हमें वहां पे दिखाई देगा और सैलरी स्लिप भी वहां पे देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ साथ हमारे जो रजिस्टर्ड डिटेल है shake.com पे, वो भी हम कैसे देखेंगे। और अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हो तो आईटीआर का जो फॉर्म 16A होता है वो हम कहाँ से और कैसे डाउनलोड करेंगे, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जिनकी सैलरी रेगुलर होती है, जो किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको रेगुलर सैलरी आती है, उनको फॉर्म 16 भरना होता है। और हम जैसे जो फ्रीलांसर है, किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम करते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग का काम करते हैं, तो हमारे लिए फॉर्म 16A होता है, ठीक है। वो आईटीआर के लिए हमें बहुत हेल्पफुल होता है। अगर वो फॉर्म नहीं आता है तो हम आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। ये जो फॉर्म 16A है, जो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम वो कहाँ से ले, कैसे ले, आप यहाँ से फॉर्म 16A भी कैसे डाउनलोड करेंगे, ये मैं इस वीडियो में आपके बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको जरा से भी हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सब प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, आपको अगर आपके शेक के अकाउंट के रजिस्टर्ड डिटेल्स या फिर पेमेंट डिटेल्स, या फिर अगर आपको फॉर्म 16 डाउनलोड करना है, तो आपको इस पेज पे आना होगा। अब आप इस पेज पे कैसे आएंगे दोस्तों, आपको मैं इसका जो लिंक है वो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप सीधे इस पेज पे आ जाओगे। देखिए दोस्तों, इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपका जो शेक में जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आपको सबसे पहले यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप सिंपल यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अपना अकाउंट में लॉग इन कर देता हूँ। जब आप यहाँ पे लॉग इन करोगे दोस्तों, तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिख जाएगा व्यू रजिस्टर्ड डिटेल्स, व्यू पेमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी स्लिप एंड व्यू फॉर्म 16A। अगर आपको रजिस्टर्ड डिटेल्स देखने हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको पेमेंट देखना है तो आपको व्यू पेमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी स्लिप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा स्लो है, आपको यहाँ पे जो प्रोसेस होगा थोड़ा सा स्लो होगा। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है, हर एक मंथ का सब, आपने हर मंथ में कितना पेमेंट कमाया है सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आंसरिंग कितना किया है यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन का रेट कितना है, आपको कितना टीडीएस कटा है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 साल तक का प्रीवियस 2 साल तक का आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आपको समरी चाहिए तो आपको शो समरी कर सकते हैं। शो समरी पे करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपने 2 साल में बोनस कितना कमाए, टोटल अर्निंग कितनी हुई है, नेट पेमेंट आपको कितना मिला है, टीडीएस कितना मिला है, और आपको नेट अमाउंट कितना मिला है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये बात हुई व्यू पेमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी स्लिप की, ठीक है। अगर हम फॉर्म नंबर 16, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्म नंबर 16 अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे फॉर्म नंबर 16 डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वार्टर 1, 2 एंड 3, मतलब क्वार्टर, टोटल क्वार्टर 4 होते हैं। अगर 4, 4 मतलब अप्रैल तक के जो भी अगर हमें अपना टीडीएस रिटर्न लेना है, तो आपको यहाँ पे 4 क्वार्टर की जो भी ये जो फॉर्म नंबर 16 होते हैं उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। अगर यहाँ पे जब 4 क्वार्टर मतलब 14 क्वार्टर का भी जब फॉर्म 16 अवेलेबल हो जाता है, तब आप यहाँ से डाउनलोड करके अपना टीडीएस फाइल आईटीआर कर सकते हैं, या फिर अभी 3 है ना, तो 3 में से कौन सा भी फाइल आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या कर देना है, यहाँ पे डाउनलोड पेज लिंक पे क्लिक कर देना है, एक अलग से विंडो में खुल जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो फॉर्म नंबर 16 है वो यहाँ पे अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसका आईटीआर फाइल कर देना है, उसका वीडियो मैं जल्दी बनाने वाला हूँ, जो कि नया पेमेंट, नया मतलब जो वेबसाइट आया है आईटीआर का,
उसके उसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि हाउ टू सी द व्यू रजिस्टर डिटेल्स, हाउ टू व्यू पेमेंट रिकॉर्ड सैलरी स्लिप एंड हाउ टू व्यू फॉर्म नंबर 16A एंड हाउ टू डाउनलोड दिस फॉर्म 16A। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप सिंपल आप लॉग इन करके आप यहाँ पे ये सब डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे लॉग आउट कर देना है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी जानकारी बताई, अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए प्लेटफॉर्म के साथ, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।